कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसको लेकर एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ व एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में चेतना तिराहे के पास रिहर्सल किया गया। रिहर्सल के दौरान पूरी सीन क्रिएट की गई कि अगर कोरोना पीड़ित मरीज रेलवे स्टेशन से शहर में प्रवेश करता है तो उसकी पहले थर्मो टेम्परेचर से फीवर चेक किया जाएगा और संदिग्ध पाए जाने पर तत्काल रेस्क्यू टीम उसे मेडिकल कॉलेज लेकर निकलेगी। इस दौरान जिस गाड़ी से मरीज को ले जाया गया था उसे पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया और मरीज के साथ दो प्रशिक्षित पुलिसकर्मी फुल प्रूफ जैकेट व दस्ताने के साथ मरीज को लेकर अस्पताल तक जाएंगे। रिहर्सल के दौरान एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने लगातार पुलिसकर्मियों को निर्देशित कर रहे थे कि वो एक हाथ की दूरी से ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जाँच करें, संदिग्ध पाए जाने पर तत्काल उसे मास्क व ग्लव्स लगाकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करें। इस दौरान पूरे रिहर्सल को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, जिसके संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि पुलिसकर्मियों को पहले से ही प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आपातकाल की स्थिति होने पर किसी तरीके से वह लोगों की मदद करेंगे और अपने आप को बचाते हुए पूरी सतर्कता के साथ सावधानी पूर्वक कोरोना के मरीज को जाँच के उपरांत मेडिकल कॉलेज या चिकित्सालय के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान कैंट थाना प्रभारी रवि राय, जटेपुर चौकी इंचार्ज नित्यानंद भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, हो तो आप कब बने? अरे भाई मेरे बना रहा गजब प्रशासन बना रहे, तू कितना कब बना कर दो बार बोल तू बनावा के बोल रहा ना, तू बनावा अपनी गाड़ी रोके, गाड़ी रोक के अंदर के पैसेंजर को चेक करवाइए। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, अंदर के पैसेंजर बाहर आ जाए, अंदर के पैसेंजर बाहर आके अपने आप को चेक करवाए। वहीं रुक जाए, वहीं रुक जाए, आगे मत आए, आगे मत आए, वहीं रुक जाए, वहीं रुक जाए, आगे मत आए। टेम्परेचर है क्या उनको? विवेक टेम्परेचर है उनको? मास्क को मुंह पे लगाए, मास्क को मुंह पे लगाए। ग्लव्स पहने, शील्ड उनके मुंह की तरफ रखे, शील्ड उनकी मुंह की तरफ रखे। नहीं, कप्तान साहब के निर्देशानुसार पुलिस को अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसे किस तरह से किसी भी क्वारंटाइन सेंटर के लिए एस्कॉर्ट करना है उसके एक ड्रिल किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं। साथ में ड्रोन के माध्यम से, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर के माध्यम से, साथ में जो भी हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, मास्क और ग्लव्स, वो हम पेशेंट को ऑफर करते हुए फिर उन्हीं के गाड़ी से उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए एस्कॉर्ट करते हैं, ताकि वो हमारे संक्रमण के क्षेत्र में ना आए। और अगर उनकी गाड़ी उपलब्ध ना हो तो उस केस में हम किसी प्रशिक्षित एम्बुलेंस कर्मी को यहाँ बुलाते हैं, ताकि उसके थ्रू हम उनको एस्कॉर्ट करके उस आइसोलेशन या क्वारंटाइन सेंटर तक भेज सकें। इस तरह की लाइन में चार टीमें तैयार की गई हैं तथा हर थाने पर एक एक टीम को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है, और ये मॉक ड्रिल उसी प्रिपेयर्डनेस के लिए हमने एक बार चेक करवाया। इसमें हमने साथ में फायर टीम को भी इनवाइट किया था जो डिसइंफेक्टेड स्प्रे करती है, साथ ही हमने रेडियो शाखा की ड्रोन टीम को भी इसमें सम्मिलित किया है।